Hi students, now we are going to see how we are going to solve question number 2 from exercise 1.2. 1.2 exercise real number chapters mein. हम सब ने LCM और HCF तो बचपन में बहुत पढ़ा है, और जो हम अभी रूल यूज़ करने जा रहे हैं वो भी आपको याद करा दूं, वो भी हमने क्लास 6th में पढ़ा है, लेकिन कई सारे बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए NCERT पहले बहुत ही इजी डिजिट्स के साथ, दैट इज़ 2 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, ऐसे ही सम्स देता है ताकि हम लोग ईजीली रिवाइज़ कर सकें कि हमने पहले क्या पढ़ा है, क्या हम भूल गए हैं, उसको हम यहाँ पर स्मॉल डिजिट्स के साथ पहले रिवाइज़ कर सकें। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, हमें बस उसको प्रूव करके दिखाना है। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। क्या कहा गया है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM एंड HCF प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91। अब इन दोनों का हमको जो है LCM और HCF फाइंड करना है, और LCM HCF को इस फॉर्मूला में पुट अप करके इस फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। 26 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, दैट इज 26 डिविजिबल बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 13 1 ज़ा 13। सो हमें 26 के क्या प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 2 इंटू 13। उसके बाद 91 आता है। 91 किस से डिविजिबल है वो हम जानते हैं, 7 से डिविजिबल है। 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21। सो ये हो गया 13 1 ज़ा 13। सो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 इंटू 13, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब अगर मैं इसका HCF देखूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन जो है 13 ही है और हाईएस्ट भी वही है, सो वी गॉट HCF एज 13। अब मैं बात करूं LCM की, तो LCM में कॉमन वाला भी लेते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो भी ले लेते हैं। तो LCM हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13। ये तीनों को मिलाकर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आंसर होगा वो ही होगा LCM। सो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 जब हम करते हैं तो वी गेट 182। ओके, अब हमें इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। उन्होंने कहा है वेरीफाई करो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट जो होगा 2 नंबर्स का वो क्या है, 26 और 91। तो वो हमने करके दिखाना है, 26 मल्टीप्लाई 91, दैट इज़ इक्वल टू 2366। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2366 आएगा। LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 182, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 2366 ही आएगा। सो हियर वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड HCF LCM का भी प्रोडक्ट दोनों के दोनों सेम आ जाते हैं, और ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। इसी वेरिफिकेशन को लेकर एक और सम दिया गया एक्सरसाइज का, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 510 एंड 92, हमें दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत इजी है, लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से तो जा ही सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फाइन। फिर अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 51 आ गया, 3 17 ज़ा 51, हम जानते हैं 17 1 ज़ा 17। तो अब हम 510 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, राइट। देन 92 के हम प्राइम फैक्टर्स अगर देखें, सो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23 23 1 ज़ा 23, राइट। हम 92 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23, उनमें जो कॉमन अब हमें लेना है, बिकॉज हमें HCF देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे तो दैट इज़ 2। तो उनका HCF क्या बन गया दोनों नंबर का, 2। LCM के लिए हम कैसे लिखेंगे, एक तो कॉमन है 2, दूसरे जो बाकी नंबर रह गए वो सब, दैट इज 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, एंड देन 17, एंड देन 23।
अब इन सब का मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, कैसे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 हो गया। बाकी 3 और 17 का मल्टीप्लाई कर लो, 51। 51 × 20 करोगे आप तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई आप 23 से कर लोगे। सो यू कैन ईजीली गेट 2 3 4 6 0, है ना, कितना ईजी। लेट अस सी अगेन, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, कितना आया, 60 आया, 20 23 ज़ा 60। नाउ यू हैव गॉट 17। अब मैं 17 का किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे को अब 60 का 17 से करना पड़ेगा, देन जो आंसर आएगा उसको 23 से। इट्स अ लेंथी थिंग, तो इजी तरीका क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 कर लो, 4 5 ज़ा 20 कर लो, ठीक है। फिर 17 3 ज़ा 51, अब आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपके पास, 0 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 1 0 2 0 आ गया। अब इसमें 1 0 2 का मल्टीप्लाई 23 से कर लो, 1 0 2 मल्टीप्लाई 23, सो यू गॉट 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, यू गॉट 2 3 4 6 एंड लास्ट 0। सो ईजीली वी कैन अरेंज द डिजिट्स, मल्टीप्लाई दैम, ओके, टू मेक योर आंसर ईजी। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखें तो हमें क्या करना होगा, 510 मल्टीप्लाई 92, ओके। उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 510 × 92 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 46920। HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, HCF × LCM करोगे तो भी आपको 46920 ही मिलता है। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड HCF और LCM का मल्टीप्लाई दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं।